नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। भीम में बेकाबू कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच 5 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं, जिन्हें कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई। इस तरह अब राजसमंद जिले में 52 सक्रिय पॉजिटिव रह गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी बुनकर ने बताया कि जिले में अब तक 7,494 सैंपल लिए गए, जिनमें से 223 पॉजिटिव रहे, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि 52 सक्रिय पॉजिटिव हैं। बुधवार को जिले भर में 199 लोगों के सैंपल लेकर जाँच के लिए उदयपुर भिजवाए गए हैं। देवगढ़ में गुरु सौभाग्य मदन गौशाला में पौधरोपण का विशेष अभियान भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुआ। पहले दिन फल व छायादार गुलमोहर, मीठा नीम, जामुन, आंवला, बरगद, पीपल के 100 पौधे रोपे गए। संरक्षण व संवर्धन गौशाला परिवार द्वारा किया जाएगा। बाद में विधायक ने गौशाला का भी अवलोकन किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी शक्ति सिंह भाटी, तहसीलदार उगम सिंह राजपुरोहित, नगर पालिका अध्यक्ष अंजना जोशी, अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली, गौशाला प्रभारी निखिल मेहता, प्रकाश चंद्र जैन, लहर सिंह मेहता, मुकेश जोशी, राजेंद्र पोखरना, सुभाष दारासरिया, बसंतीलाल आच्छा, पंकज कोठारी, हरीश पोखरना, सुनील श्रीमाल, जितेश पोखरना आदि मौजूद थे। देवगढ़ में मिनी खेल स्टेडियम का शिलान्यास भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत, नगर पालिका अध्यक्ष देवगढ़ अंजना जोशी ने किया। साथ ही करणी माता मैदान में निर्माणाधीन बास्केटबॉल ग्राउंड का भी अवलोकन किया। इस दौरान पार्षद राजेश मेवाड़ा, हंसराज कंसारा, जावेद अहमद, तेजपाल कोकर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नारायणलाल जोशी, प्रधानाध्याचार्य दीपक भारद्वाज, कोच दीनदयाल त्रिवेदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश नारायणिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भंवर सिंह चुंडावत, कोमल सिंह मेहता, चंद्र प्रकाश आच्छा, किशन लाल सालवी, मुकेश जोशी, इकबाल मोहम्मद, पंकज कोठारी, नरेश डाड, मांगीलाल माली, विपिन तिवारी, नितिन तिवारी, कुलदीप नारायणिया, राजेंद्र सुतार आदि मौजूद थे। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को चारभुजा पहुंचे, जहां सरपंच गणेश लाल गुजर के आवास पर अल्प विश्राम किया। वे मुंबई से उत्तर प्रदेश अपने पैतृक गांव जा रहे थे। सरपंच ने चारभुजा नाथ की छवि भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान ललित गुजर, भजन गायिका मंजू गुजर भी साथ थी। मेवाड़ के इतिहास को लेकर CBSE 10वीं 12वीं की पुस्तकों में भ्रामक जानकारी देने के विरोध में विभिन्न संगठनों ने राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में इतिहास में दी जा रही भ्रामक जानकारी को तत्काल हटाने की मांग की गई। इसी तरह जय राजपूतान संघ की ओर से भी उपखंड अधिकारी राजसमंद को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान जिला संयोजक शैतान सिंह राठौड़, संयोजक सुरेंद्र सिंह राठौड़, युवराज सिंह देवड़ई, धन सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस रखने व हमेशा मास्क पहना रखने के लिए नरेगा कार्यस्थलों पर महिलाओं को प्रेरित व प्रोत्साहित किया गया। कांकरोली थाने के उपनिरीक्षक टीना सोलंकी के नेतृत्व में पुलिस दल बावा व प्रतापपुरा पहुंचा, जहां महिलाओं को सैनिटाइजर के साथ मास्क भी वितरित किए गए। इस दौरान ASI भगवान लाल के साथ ही बावा सरपंच भी मौजूद थे। राजनगर में कबूतरखाना से फोर लेन जाने वाला मार्ग कचरा से अटा पड़ा है और नालियां भी जाम हो गई। इस कारण चौतरफा गंदगी पसरी रहती है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। खासतौर से राजनगर क्षेत्र में किसी की मृत्यु होने पर शव यात्रा में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। समस्त व्यापार महासंघ राजसमंद के अध्यक्ष प्रहलाद वैष्णव ने नगर परिषद से शीघ्र सफाई कर सड़क को व्यवस्थित व सुगम बनाने की मांग की है। सेलागुड़ा पंचायत के डेलाना गांव में आरक्षित सरकारी जमीन पर ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी तरीके से पट्टे जारी करने की शिकायत के मामले में दूसरे पक्ष ने भी आमेट उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि फर्जी पट्टे जारी करने की जो पहले शिकायत की गई है वह झूठी और मिथ्या है। ज्ञापन में बताया कि पूर्व सरपंच द्वारा जो भी पट्टे जारी किए गए हैं वे नियमानुसार ही ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव लेकर जारी किए गए हैं। इस दौरान मोहन सिंह, मोहन रावत, हंसराज, सुरेश शंकरलाल, मोहन लाल भील, मथुरालाल, रोशन लाल, वेणीराम, वजेराम, घासीराम, चुन्नीलाल आदि मौजूद थे। इसी तरह की रोचक व ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।